गाजियाबाद के लोनी में ट्रानिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के लोग इन दिनों फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रानिका सिटी है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी भूजल को दूषित कर रहा है, जिसके कारण गाँव में लोगों को गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। गाजियाबाद के लोनी में ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से लोनी के कई गांव के लोग बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी भूजल को दूषित कर रहा है, जिसके कारण गाँव में लोगों को गंभीर बीमारियाँ फैल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी हो रही है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। बार बार शिकायतें करने के बाद भी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोनी के ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से जो नाला या नहर में डाला जा रहा है, तो नहर से कुछ मीटर की दूरी पर मैं आपको दिखा दूं, ये खेत है, वो देखो पीछे करीब 50 बीघा जो जमीन है, यहाँ पर 50 बीघा जमीन में ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से नाले के माध्यम से डाला जा रहा केमिकल युक्त पानी इन खेतों में भरा हुआ है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है, तस्वीरों में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। यहाँ के जो जहरीला पानी है उसका आप देखेंगे ना, पेड़ जो यहाँ पर पेड़ हरे भरे हुआ करते थे वो आज सूख गए हैं। अच्छी खासी यहाँ पर संख्या थी पेड़ों की, जो किसान थे उन्होंने अपने खेती करना यहाँ पर बंद कर दिया है। दरअसल लोनी क्षेत्र में ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र यूपी सीडा के द्वारा करीब 20 साल पहले बनाया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। इनमें से सैकड़ों फैक्ट्रियों में केमिकल का काम होता है और यहां पर एक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जिसके जरिए करीब 12 किलोमीटर दूर एक पाइपलाइन डालकर केमिकल युक्त पानी को शकलपुरा जावली गांव के पास स्थित नहर में डाला गया था। लेकिन इस ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं चलाया जाता, जिसके कारण फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला केमिकल युक्त पानी सीधा पाइपलाइन के जरिए नहर में डाला जा रहा है। लोनी के गांव शकलपुरा जावली सहित आसपास के कई गांव के लोग पिछले काफी समय से गांव में फैल रही बीमारी से बेहद परेशान हैं। इस गांव में लगातार कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। बीमारी बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन इस शिकायत के बावजूद अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन हो रही मौतों से परेशान कई गांव के लोग अब आंदोलन करने के मूड में हैं। लोगों ने यूपी सीडा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी वो कर रहे हैं। परेशानी ग्रामीणों से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें में दिखा दूं, अपने साथी से कहूंगा कि एक बार तस्वीर दिखा दें कि यहां पर क्या स्थिति है। जो ये नहर है, नहर यमुना कैनाल है, जो कि बड़ौत और यमुना से निकलकर आती है। इस नहर से काफ़ी लोग अपनी किसानी खेती का काम करते हैं और अभी फिलहाल की स्थिति यहाँ देखें, सकलपुरा गांव के पास ये जो आप देख रहे हैं पानी में, बिल्कुल जो नहर में पानी है उसका रंग देखें, और जो नाला जो इसमें डाला जा रहा है ट्रॉनिका सिटी का जो केमिकल युक्त पानी है उसको डाला जा रहा है, कितना गंदा पानी यहाँ पर है। तो ये तस्वीर है, सबसे पहले मैं दिखाई आपको। अभी कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनको किस तरह की परेशानी इस गंदे पानी से हो रही है। तो गांव के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। भैया पहला आप नाम? जी, नाम सुमित कसाना, ग्राम शकलपुरा। सुमित, आज इकट्ठे हुए हैं सभी लोग गांव के, तो किस तरह की परेशानी आप लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ पे ये यमुना कैनाल है जो सिंचाई के लिए यूज होती थी, आज इसमें ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र का पानी पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा भूजल पूर्णतः दूषित हो गया है। लोगों में कैंसर की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही। बात करें हम ग्राम शकलपुरा की, तो दर्जनों लोग पीड़ित हैं और 8-10 लोग इससे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और बात करें जावली गाँव की, तो वहाँ 100 से ज़्यादा पेशेंट आज की डेट में हैं और जो मर चुके हैं उनकी भी अलग एक गिनती है। परेशानी ये है कि यहाँ पर ये पिछले 14-15 साल से जो पानी ये ट्रॉनिका सिटी से जो डाला जा रहा है नाले के माध्यम से, उसकी वजह से हमारा भूजल बिल्कुल दूषित हो चुका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी फैल रही है, कैंसर जैसी बीमारी। सिकरौनी, शकलपुरा और जावली, सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हैं और कम से कम 40-50 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।
जो पाइपलाइन ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से नहर में डाली जा रही है, ये पाइपलाइन कई जगह से टूटी हुई है, जिसके कारण यहाँ किसानों की कई बीघा जमीन भी इसकी जद में आ चुकी है। पिछले करीब 6 वर्षों से किसानों की 70 से 80 बीघा जमीन जिसमें केमिकल युक्त पानी भरा हुआ है और इन खेतों में खड़े पेड़ भी अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतें करने के बाद भी अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही और उन्हें अपनी खेती से वंचित होना पड़ रहा है। मैं भी कुछ लोग हैं गांव के किसान से बात करते हैं, आपको नाम क्या है? तो सुबेदार महावीर सिंह जी, निवासी सकलपुरा। जो पानी भरा हुआ है, हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए, कब से भरा हुआ है यहाँ पर ये पानी? जी 10 साल हो गए, ना तो खेती में कुछ होता है, अब तो कुछ थोड़ा कम दिख रहा है, नहीं 8-8 फुट इसमें पानी रहा है जी, जिसकी वजह से ना यहाँ कोई आता है, ना कोई खेती होती है, ना कोई पैदावार हो रही है और किसान इतने परेशान हैं। कम से कम 100 बीघे खेत जो है यहाँ पे बेकार पड़ा है जंगल में। तो अभी किस तरह की मांग है आपकी, क्या चाहते हैं कि कैसे इसका निस्तारण हो? अब इसका निस्तारण यही है कि जैसा कि इनकी शर्तों में था, इसको प्रॉपर अंडरग्राउंड किया जाए जी, और इसकी बाउंड्री वाल दोनों साइड होकर के आगे को पार हो जाए। कुल मिलाकर शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जिम्मेदार अफसरों को इस समस्या के बारे में कई बार अवगत कराया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों को इस समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। अब एक बार फिर से किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। करीब 25 से 30 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों के अंदर हो चुकी है। अधिकारियों को लगातार इसकी जानकारी दी जाती रही है, यहाँ पर अधिकारी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं, ना ही अब तक यहाँ भूजल को टेस्ट कराया गया है। आखिर क्यों अधिकारियों ने या प्रशासन की बात करें, क्यों लोगों को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ा हुआ है? ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। यशपाल कसाना, नेटवर्क 10, लोनी गाजियाबाद।